नमस्कार, मैं चिराग पासवान। आज दिन भर का चुनाव प्रचार समाप्त करके घर आया तो आते ही मुझे ये लेटर मिला जो मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न मीडिया हाउसेस को, विभिन्न मीडिया चैनल को दिया जा रहा है, जिसके साथ एक वीडियो भी वायरल मेरा करवाया जा रहा है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि मैं कैसे पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर शूटिंग कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और ये मेरे चरित्र के ऊपर उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे अगर आज पापा के निधन के बाद भी इस बात को प्रमाण देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी का कि उनके जाने का मुझे कितना दुख है, तो मुझे लगता है कि राजनीति का इससे नीचा स्तर और कुछ नहीं हो सकता। एक बेटे को ये बताना पड़ेगा कि पापा के जाने का उसको कितना दुख है, मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मेरी मतलब एकदम संवेदनहीनता की बात है ये। मतलब मैं मेरे दुख को, मेरे कष्ट को कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी निरंतर मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या मैं अपने पापा की मौत के बाद मैं दुखी हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ। हकीकत है कि पापा मुझे एक ऐसे समय पर छोड़ कर गए जब चुनाव सर पर थे, मेरे पास विकल्प क्या था। चुनाव प्रचार उस वक्त शुरू हो गया था और जिस तरीके से श्राद्ध का कार्य होता है, 10 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। उन 10 दिनों में मेरे ऊपर दबाव था, पार्टी का दबाव था, मेरे प्रत्याशियों का दबाव था, वो चाह रहे थे कि हम लोग वीडियो रिलीज करें, कुछ तो करें। वही दौरान था जब मैंने कई इंटरव्यूज़ भी दिए, मैंने कई इस तरीके के इंटरव्यूज़ मैंने उस दौरान दिए, और मैंने कई ऐसे कार्य हैं, मैनिफेस्टो रिलीज करने की बात हो या डिजिटली सभाएं करने की बात हो, उस दौरान मैंने की। बट इसको इस तरीके से प्रचारित करना कि पापा के जाने का मुझे दुख नहीं है या मैं मुस्कुरा रहा हूँ, जब आप काम करते हैं, आपके साथ 10 लोग और शामिल होते हैं, कई तरीके की बातें होती हैं, बातचीत होती हैं, आप डिस्कस करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, उस पर अगर चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ रही है, उसको इस तरीके से दिखाना कि पापा के जाने का मुझे दुख नहीं है। ताजुब होता है कि मुझे मुख्यमंत्री जी पर क्यों क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो को वायरल कर, और मेरे दिल पे क्या गुजरी है। एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो ऐसी बातें पब्लिकली मेरे बारे में कह रहे हैं। बहरहाल, ये बातें आपके साथ साझा करना मेरा फर्ज बनता था। मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप सब मेरा साथ देंगे। आपका साथ बस मुझे हिम्मत देता है और उसी के लिए मैं आप लोगों के सामने आया। धन्यवाद।